हेलो गाइस, आपका स्वागत है एक और नए वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे न्यूली फॉर्म क्लब इंटर काशी जो एक स्पैनिश प्लेयर के टॉक्स में है एंड उसका ट्रांसफर करना चाहती है। दूसरा टॉपिक सैफ चैंपियनशिप 2021 जो लास्ट मतलब 2 साल पहले हमने जीता था उसका अभी तक प्राइज मनी नहीं आया, ये सैफ वाले क्या कर रहे पता नहीं। और तीसरा टॉपिक जी हाँ दोस्तों, AIFF के जो प्रेसिडेंट है कल्याण चौबे, उनके क्या फ्यूचर प्लान्स हैं एंड फ्यूचर प्लान्स अगर आप सुनोगे तो आप खुद प्राउड फील करोगे कि भाई हमारा प्रेसिडेंट ऐसा हो एंड उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था उनके प्लान्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तीनों टॉपिक के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे इस वाली वीडियो में। तो बात करेंगे पहले इंटर काशी। इंटर काशी आप सभी को पता है कि वाराणसी से क्लब है, आई लीग में आया है एंड मतलब जैसे ही आते ही ट्रांसफर टॉक चालू कर दिया। और आप सभी को पता है इंडिया और स्पेनिश प्लेयर का जो रिलेशनशिप है वो बहुत तगड़ा है। तो वेयर वंस अगेन स्पैनिश प्लेयर जॉर्डन लेमेला जो स्पैनिश के फोर्थ टायर क्लब के लिए खेलते हैं सीए एंटोनियो। और अगर आप उसका बात करोगे उसके स्टैट्स के बारे में बात करो तो रिसेंटली मतलब जो लास्ट सीजन था उसमें उन्होंने 20-21 मैचेस खेले थे, उसमें 2 गोल्स मारे थे। ऑब्वियसली मिडफील्डर है तो आप मिडफील्डर से ज्यादा गोल्स एक्सपेक्ट नहीं करते, बट स्टिल मैं आपको एक स्टैट के लिए बोल रहा हूँ। और ये 22nd ईयर के है मतलब 22 इयर्स के ओल्ड है तो काफी यंग प्लेयर है एंड काफी अच्छा है ना डायमेंशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो भाई यहाँ पर अच्छी बात होगी कि अगर इंटर काशी ये डील कंप्लीट कर देती है तो एक अच्छा स्पैनिश एडिशन है ना, स्पैनिश एडिशन हो जाएगा एंड एक स्पैनिश जॉर्डन लमेला करके नाम है। तो आई एम तो रियली लुकिंग फॉरवर्ड, होपफुली ये डील डन हो जाए सो दैट है ना इंटर काशी का एक अच्छा स्पैनिश प्लेयर मिल जाए। और आपके क्या थॉट्स हैं डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। जो दूसरा टॉपिक है जी दोस्तों, सैफ चैंपियनशिप 2021। तो भाई हमने लास्ट मतलब 2 साल पहले वो सैफ चैंपियनशिप जीता था जहां पर हमने नेपाल को डिफीट किया था और अभी तक उसका पैसा नहीं आया है जो प्राइज मनी, जैसे कि आप देखा रहेगा कि ये बार हमने जीता था तो हम लोग को $50,000 मिले थे, समवेयर अराउंड 40 करोड़ के आसपास मिले थे। तो मतलब मिला था, मतलब प्राइज मिला था, अभी उसका प्राइज मनी मिला या नहीं मिला मुझे नहीं पता। लेकिन कल ही रिपोर्ट आई है, आशी नेगी सर ने रिपोर्ट की है कि भाई सैफ चैंपियनशिप 2021 का अभी तक प्राइज मनी हमें मिला नहीं है। तो मतलब ये सैफ वाले क्या कर रहे हैं एंड दैट्स वे आप लोग देखे होंगे कि भाई बहुत सारे जो इंडियन फुटबॉल फैंस है वो तंग आ चुकी है कि भाई हमारी टीम हमारी कंट्री सैफ में खेलती है। और बहुत लोग तो ऐसा बोलते हैं कि भाई सैफ से निकल जाना चाहिए या तो दूसरे टूर्नामेंट्स में पार्ट लेना चाहिए एंड यही है रीजन भाई, यही है रीजन। सो होपफुली भाई जितना जल्दी हो सके सैफ का प्राइज मनी आ जाए और ये सैफ वाले कुछ ना ढंग से कर ले। मेरे को तो अभी ये इसका डर है भाई, मतलब 2021 का तो दिया नहीं और 2023 का ये बाकी, अब दोनों कैसे देंगे कैसे मैनेज करेंगे आई लिटरली डोंट नो। बट आई होप कि भाई मैं होप करता हूं कि दोनों कॉम्पिटिशन के दोनों ईयर के जो टूर्नामेंट्स हुए थे दोनों जहां पर हमने जीता था उसके टूर्नामेंट्स के पैसे मिल जाए, बस वो बड़ी बात है भाई। अब बात करेंगे जो तीसरा टॉपिक है जी हाँ दोस्तों, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है कल्याण चौबे चौबे जी के बारे में एंड उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोला था, उन्होंने ये कहा है भाई कि आप सरप्राइज मत हो अगर हमारे कोई कोई क्लब्स इंडिया के कोई कोई क्लब्स अगर बाहर जाके क्लब टूर्नामेंट्स खेल सके, जैसे कि यूएई हो गया, अबू धाबी, दुबई, लंदन, साउथ अफ्रीकन सिटीज एंड आउटस्कर्ट्स ऑफ लंदन। तो ये 4-5 जगह बाहर जाके अगर हमारी क्लब अगर फ्रेंडली खेलती है तो टूर्नामेंट खेल के आती है तो आप सरप्राइज मत होइए। एंड इससे क्या होगा कि जितना ज्यादा हमारे प्लेयर्स को डेवलपमेंट मिलेगा, मतलब जितना ज्यादा प्लेयर्स हमारे ओवरसीज में खेलेंगे तो उतने हमारे प्लेयर्स डेवलप हो पाएंगे और कॉन्फिडेंस मिलेगा अगेंस्ट प्लेइंग अगेंस्ट द वेल एक्सपीरियंस प्लेयर। तो उन्होंने ये कहा था एंड उन्होंने ये भी बोला है कि भाई जब भी मैं ट्रैवल करता था, आप सभी को पता है कि वो ट्रैवल करते रहते हैं हर जगह पे एंड वो उन्होंने ये बोला कि मैं हर जगह जहां पर भी जाता हूं तो जो भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट है ना मैं उनसे बात करता हूं कि भाई कैसे हम लोग इंडियन फुटबॉल को डेवलप कर सकते हैं। एंड उन्होंने ये भी बोला कि भाई ऐसे तीन से चार कंट्रीज है जहां पर हमारे इंडियन क्लब्स जाके 4 क्लब टूर्नामेंट या तो 4 नेशन टूर्नामेंट बोलते ना वैसे 4 क्लब टूर्नामेंट खेल सकते हैं एंड वहां पर उनको बहुत ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो यहाँ पर कल्याण चौबे जी हाँ दोस्तों ट्रैवल तो करते हैं बट साथ ही साथ ये मेक श्योर करते हैं कि भाई यू नो हमारी क्लब हमारे इंडियन फुटबॉल डेवलप हो सके एंड यहाँ पर क्लब टूर्नामेंट का खेलने जा सके। और ऑब्वियसली देखो अभी कोई बड़ा क्लब जाएगा, मुंबई सिटी हो गया तो मोहन बगान हो गया, तो उसमें डेफिनेटली 4 से 5 नेशनल टीम प्लेयर्स रहते हैं तो इट विल डेवलप अवर इंडियन प्लेयर्स ना कि भाई बाहर जाके कैसा माहौल रहता है कैसा एक्सपीरियंस रहता है। तो ये काफी अच्छी बात है एंड भाई उन्होंने ये भी बोला है, इन्होंने ये भी बोला कि भाई हम लोग मैं नहीं चाहता कि इंडिया स्टिल रिस्ट्रिक्ट रहे सैफ तक, मतलब सैफ के मैचेस नहीं खेले। उन्होंने ये भी बोला कि वी आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शंस ऑफ कैफा सेंट्रल ईस्ट मिडिल ईस्ट गल्फ कंट्रीज के साथ मैचेस हो सके
सके सो दैट हमारा फुटबॉल इंप्रूव हो सके। एंड फुटबॉल उन्होंने ये भी बोला कि फुटबॉल ये जादू नहीं है कि भाई ऐसे ही ओवरनाइट आप प्रोग्रेस कर पाओगे तो आप इंप्रूव कर पाओगे, आपको खेलना पड़ेगा अगेंस्ट द बिगर कंट्रीज सो दैट आप लोग इंप्रूव हो सके। एंड उन्होंने ये भी बोला कि स्टार्टिंग में यस हम लोग कोई मैच हारेंगे कोई मैच ड्रॉ करेंगे बट इट विल इवेंचुअली हेल्प अवर इंडियन प्लेयर्स। एंड उनका जो फियर रहता है कोई कोई प्लेयर्स का फियर रहता है कि भाई मिडिल ईस्ट कंट्रीज के साथ खेलेंगे कैसे खेलेंगे, तो वो दूर हो जाएगा और बहुत सारा डेवलपमेंट होगा हमारे प्लेयर्स के अंदर। तो ये सब बोला है एंड ऐसे सब बातें ना क्या दोस्तों सुनकर एक एआईएफएफ प्रेसिडेंट से मजा आता है एंड अच्छा लगता है कि हाँ भाई कल्याण चौबे जी भी वैसी वे में सोच रहे हैं जैसे हम सोच रहे हैं कि हम भी चाह रहे हैं कि कैफा कंट्रीज के साथ टूर्नामेंट खेले। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और आपने एक चीज गौर देखी थी कि भाई कि कतारी आप उसे ना कोई तो कतार कल्याण चौबे जी के बाजू में बैठे थे कतार अथॉरिटी फाइनल में, तो उन्होंने ये बोला कि जो कतार मतलब फॉर्मर कतार प्रेसिडेंट एंड करेंटली फीफा काउंसिल जो मेंबर है ना एशिया के शेख बिन खलीफा अल थानी ऐसा कुछ तो नाम है बहुत बड़ा नाम है, तो उनको बुलाया गया था एंड वो किसके इनविटेशन पे आए थे ही हैड कम ऑन द स्पेशल इनविटेशन ऑफ कल्याण चौबे जी। और दोस्तों कल्याण चौबे जी ने स्पेशल इनविटेशन दिया था हमारे जो कतर के जो प्रेसिडेंट है फॉर्मर प्रेसिडेंट, तो उनको स्पेशल इनविटेशन दिया था बुलाने के लिए कि भाई आप आइए हमारा यहाँ पर सैफ का फाइनल है एंड आप देखिए एंड एंजॉय कीजिए। एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमने हमारी टीम ने इतना अच्छा खेला और उनके सामने फैंस का इतना रिएक्शन था, तो आपको आप लोग खुद सोचे कि उसके दिमाग में क्या इंप्रेशन होगा इंडियन फुटबॉल का। तो मतलब सो ना वो भी सोचेगा कि हाँ भाई यहाँ पर फैंस बहुत पैशनेट है, इनकी टीम भी बहुत सही खेलती है, इनके फैंस फुल है ना टीम के पीछे। तो ये काफी अच्छा मूव था भाई कल्याण चौबे जी का, भाई स्पेशल इनविटेशन पे बुलाइए एंड उनको मैच दिखाइए। सो आई एम रियली प्राउड भाई, बस होपफुली जल्दी से जल्दी जो बातें उन्होंने रिसेंटली इंटरव्यू में बोली है वो इंप्लीमेंट हो जाएगी ना तो बहुत मजा आ जाएगा। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ भाई कि तीनों टॉपिक्स के ऊपर आपके क्या थॉट्स हैं एंड आप क्या सोचते हो ये तीनों टॉपिक्स के ऊपर, डू लेट अस नो इन द चैट सेक्शन। एंड यस मिलेंगे एक और नए वीडियो में, जब तक आपका एंड आपके फैमिली का ध्यान रखेगा, बाय बाय टेक केयर। एंड इसी की तरह हम लोग फॉलो करेंगे एंड सपोर्ट करेंगे इंडियन फुटबॉल को।